घारो सिटी के रिहायशी रसूल बख्श जोखियों ने प्रेस क्लब धापजी पर अपने दोनों बच्चों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। भाई मेरा नाम रसूल बख्श है, मैं जोखियों हूँ, मेरी रिहायश घारो में है, गरीब एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड शफियाबाद घारो में। मेरी अपॉइंटमेंट 2005 में हुई थी, 2005 से लेकर 2019 तक मैंने सिक्योरिटी में ड्यूटी अंजाम दी। मेरी किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, मगर तरक्की की अपील की तो इंतजामी कार्रवाई और पैसों के हिसाब से जबरी फारिग किया गया मुझे। आज तक मुझे कोई मराज नहीं मिली। मेरी 15 साल की सर्विस है और 14 महीने से मैं बेरोजगार हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी तैलीम भी ज़ाया हो रही है, और आज भी मेरे इंतजामिया मुझे धमकी दे रही है कि आप अपनी पिटीशन वापस करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आला अमलदारों को कि लेबर कोड हैदराबाद नंबर 6 में जज को मुकर किया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले, और ये लोग मुझे जानी माली धमकियाँ दे रहे हैं, इनसे मुझे तहफ़ुज़ दिया जाए। कि वो 2005 से फैक्ट्री गरीब सन्स में बतौर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा था। मुझे 20 जुलाई 2019 को जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया और मुझे कोई हिसाब नहीं दिया गया। मुसलसल बेरोजगारी के सबब सख्त परेशान हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा है जो मेरी बेरोजगारी के सबब तालीम से महरूम है। मैंने लेबर कोर्ट हैदराबाद में पिटीशन नंबर 53 दायर की। मिल इंतजामिया की जानिब से केस से हाथ उठाने के लिए मुझे मुख्तलिफ तरीकों से धमकियां दी जा रही हैं। मैं आला हुकाम से मुतालबा करता हूं कि गरीब सन्स मिल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ वहीदुल्ला, HNN न्यूज़, ठट्ठा।